मैं बिल्कुल प्रमाण चुनाव में दो मिनट आपको मिलेगा। एक्चुअली दिया था, आइए इस तरफ आइए, बस संयम रखिए, बस धीरे धीरे लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोग प्रोग्राम शुरू हो गया है, चंदा दूर नहीं, बिल्कुल इतना से आप लोग बैठे रहिएगा। बस इतनी राशि बढ़ा के फिर आगे का प्रोग्राम शुरू करें, फटाफट लोगों को ऊपर ऊपर बढ़ा दें, जरा फटाफट आइए। सही बनाया देखिए, अपने बस प्रोग्राम शुरू होगा, फिर फटाफट हो जाएगा काम। आइए इस तरह जो खड़े हो गए पहले उनको फ्री कर देते हैं, जो खड़े हो गए उनको फ्री कर देते हैं। बोल मत करो, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग नहीं ले जाएंगे, मेरा नाम एडवोकेट सुनील कुमार है, मेरी संस्था का नाम दक्ष नागरिक फाउंडेशन है। आज के प्रोग्राम का कोई मकसद नहीं है, आज के प्रोग्राम का सिर्फ एक ही नारा है, भाई और बहन का नारा, और भाई और बहन के बीच में कोई मकसद नहीं होता है। जैसे कि आपने घोषणा की थी कि आप महिलाओं के मुफ्त में केसेस लड़ने वाले, कैसे लड़ने वाले, किस तरह से केस लड़ने वाले? जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी बेटियां हैं, उनका जो हमने घोषणा की थी कि हम उनका केस लड़ेंगे, उसके लिए आज भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारी टीम बन चुकी है, बन रही है, और भी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करते करते हम जिन लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संस्था स्थापना की गई है दक्ष नागरिक फाउंडेशन, ये संस्था का मकसद क्या है और अब तक ये संस्था के द्वारा क्या काम किया है? दक्ष नागरिक फाउंडेशन, दक्ष मतलब अलर्ट। संस्था का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, संस्था पूरी तरह से फोकस कर रही है औरतों के विकास पर। क्योंकि जब इसका प्रेरणा स्रोत मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं गरीबी के दिन काट रहा था और मेरे मम्मी पापा को मुझे और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए ऑप्शन चुनना था, तो मुझे पढ़ा दिया और मेरी बहन को छोड़ दिया। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बहन छूटे, कोई बेटी छूटे, जितना कोशिश होगी उतना हम लोग उसको आगे ले जाएंगे। जिस तरह आप महिलाओं को उनके कानून का अधिकार आप दिलाने के लिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि महिला कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे पुरुषों को भी आप मदद करने के लिए आगे आएंगे? देखिए, जो मैंने वचन दिया है वो मैंने अपनी बहनों को दिया है, और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अगर मैंने अपनी बहनों को वचन दिया है, राखी बंधवाया है, तो चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, मैं हूँ उन्हीं के साथ। बच्चों को गोद लेना मेरे बस की बात नहीं है, वो ईश्वर ने दिया है, और जिनको दिया है वो उनका उनके लिए प्रसाद है। मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ बैसाखी बनना चाहता हूँ, जिस तरह से एक एनजीओ मेरे लिए बैसाखी बनी थी। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि उनको जो समस्या है उसमें थोड़ा सा मैं सहयोग कर सकूँ। संस्था मुंबई लेवल पे ही काम कर रही है, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं जितना डिलीवर कर सकें। हम डेमो पीस नहीं तैयार कर रहे हैं, हम ओरिजिनल तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना है आपके महिलाओं के लिए जो आप गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं? नहीं, मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं डिमांड करना चाहता। मैं आज यहाँ पे साड़ी बताने का अपने कार्यक्रम रखा है, तो कितने अपने बहनों को इकट्ठा किया है जिनको साड़ी देने वाले हैं, कैसे लिस्ट तैयार की है, क्या उसके दरबार? इसकी लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से ये बहनें आई हैं वहीं मैं रहता था 27 साल, तो मैं सब इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं खुद मिला हूँ और मैंने खुद बुलाया है। आज यहाँ पे कुल कितने महिलाओं को साड़ी वितरित? कम से कम 1200।
पहली प्रथम महिला ने ही दे दिया है राष्ट्रपति मुर्मू ने। मेरा संदेश मैं क्या दूं, उन्होंने ही दे दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि जो वो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश में अगर मैं कहीं उसका एक अंश भी बन पाऊं तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, भाई को बहन से मिलने के लिए और बहन को कुछ देने के लिए कोई मुहूर्त, कोई अवसर, कोई दिन की जरूरत नहीं है। आपने जो दक्ष नागरिक का प्रणाम रखा है आज रक्षाबंधन के दिन पे रखा है, जैसे कि आपको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। नहीं, कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इस टाइम पे आपने जो प्रोग्राम रखा है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो प्रोग्राम मैंने रखा है इसका मेरा खुद मैं इसका सोर्स हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मेरी माँ ने मेरे मामा को साड़ी भेजी थी तब मेरे मामा ने बोल दिया था मेरे पिताजी को कि एक साड़ी के लिए राखी लेके चले आए। तो इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है ताकि मेरी कोई ऐसी बहन ना हो जिसके भाई ऐसे बोल दें या जिसकी भाभी ऐसा बोल दें कि एक साड़ी के लिए राखी लेने क्यों आए। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज रखा है ताकि कल ये साड़ी पहन के अगर इसमें से कोई एक ऐसी भी बहन मेरी निकली जिसके पास कोई साड़ी ना और मेरी पहन के अगर वो रक्षाबंधन मनाएगी तो ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। आपके कहने का मतलब ये है कि आज आप लोगों के भाई बन रहे हैं और कल के टाइम में आप सभी जो भी आई है यहाँ पे जो भी मौजूद है कल का आप उनका सपोर्ट करेंगे प्लस जो भी बच्चे हैं उनका भी सपोर्ट करेंगे 100%। सर, इसके अलावा आपकी संस्था और क्या कुछ काम करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, हम लोग जितना कर सकते उतना ही बोलते हैं। हम सिर्फ महिलाओं, यहाँ जितनी बैठी हैं महिलाएं वो मेरी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ मेरी भांजियाँ हैं और मैं जानता हूँ कि यही बेस है। अगर हमने महिलाओं को या बेटियों को एजुकेटेड कर दें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है वो अबॉलिश हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो भाई बहन है, परिवार है, ये तो परिवार है, ये मेरा अपना प्रेम है। और अगर आप लोग रुकेंगे तो मैं जब अपने स्पीच में बोलूँगा तो आप सुनेंगे कि उसका रीज़न क्या है। नागरिक के मेंबर्स हैं, कोई भी कहीं भी परेशान है तो हम उनके लिए काम करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ इसलिए है कि जितनी भी औरतें हैं सब कम्फर्ट हो जाएँ, क्योंकि जब एक इंसान किसी को कहता है कि मैं आपका भाई हूँ तो सारी लेडीज़ उसके साथ कंफर्ट हो जाती है। तो बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो भी औरतें हों ना, जिनके कोई प्रॉब्लम्स हों, वो खुद भाई बहन बन के भाई के पास आए और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। बस इस प्रोग्राम का मकसद यही है। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं को सारे वितरण किया गया है रक्षाबंधन के दिन पहले प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी औरतों को भरोसा हो जाए कि नहीं, हमारा कोई भाई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो वो जल्दी से कहीं जा नहीं सकती, किसी से कह नहीं सकती। अब यहाँ क्या है, उनको पूरी छूट दी जा रही है कि कुछ भी हो आप हमारे पास आ सकते हो। आपके अलावा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी औरत हो उसे जुल्म नहीं सहना चाहिए, कोई भी तकलीफ हो तो उसे खुल के लोगों से बात करनी चाहिए ताकि उसका सलूशन निकले। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे संग हमेशा गलत होगा। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं है, ये जो प्रोग्राम है ऑल टुगेदर हो गए, हम सारे औरतें इकट्ठे हुए और बड़े भाई है वो हमारे, सिर्फ हमारे नहीं है सबके, तो हम बहुत खुश हैं उनसे मिलके। आज रक्षाबंधन का एक पवित्र बंधन है जिनमें और भी औरतें सारे लेडीज़ हैं, हम एक प्रोटेक्शन फील करते हैं जो भैया है और ही इज़ रियली सपोर्टिंग, सबको सपोर्ट करते हैं हर तौर पे, हर फेस पे। तो आज बहुत टाइप की फीमेल यहाँ पर है जो अपना तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया को एक सबसे बड़ा उनके सामने एज अ पेरेंट्स है, एज अ सपोर्टर है।
तो फॉर अ फीमेल इट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड वेरी गुड रिलेशन जो आज हम एक प्रोग्राम के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं जो रक्षाबंधन है। नमस्ते, ये मुझे मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने ना हर एक औरत के घर घर जाके सपोर्ट किया है, सबसे पूछ के आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे इधर ही मैं बताना चाहूँगी, मेरे ही घर के सामने एक छोटी बहन रहती, वो अपना घर पूरा संभालती थी, मतलब उनके माँ तो एकदम मतलब वो काम नहीं करती है, बाप है नहीं, एक छोटी बहन है एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन भी ऑफ हो गई, उनका पूरा घर का खर्चा ये और भाई संभाल रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी और ऐसे ही इनको दुआ दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए इनको कि आगे बढ़ती रहें। सब लोग को मैं अपनी तरफ से सूचित कर रही हूँ कि एक अच्छे को हम लोग जन्म से ही जानते हैं, ये हमारे साथ पले और बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, आगे आगे बढ़े हुए हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा मैं आप लोग को ये सूचित करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये अनजाने नहीं है, हम लोग इनको जन्मों से देख रहे हैं, हमारे सामने एक बच्चा बड़ा हुआ है, यहाँ आप लोग की सहायता में हमेशा मदद।